What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोग आज complete कर देंगे हमारा partnership. हमारे पास बचा है retirement की capital adjustments और comprehensive questions. तो पहले हम करते हैं कुछ questions जो कि without capital adjustments है और उसके बाद फिर मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से capital adjustments जो भी 3 से 4 तरीके capital adjustments retirement में आती हैं कैसे करनी है किस तरीके से करनी है वो सब हम आज की इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे और हमारी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी राइट तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं जाके अटेंडेंस लगा दो सबसे पहले आप क्वेश्चंस चेक करो वो वाले जिसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट्स नहीं है जब एक बार ये हो जाए फिर हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन अब चालू करते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन बनाना क्या है हमारे पास देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक बैलेंस शीट दी हुई है एक्स की वाई की और जेड की और रेशो है 3:3:2 ठीक है बैलेंस शीट दिया हुआ है द रेशो इज 3:3:2 ये बैलेंस शीट है वाई रिटायर हो रहा है और वाई के रिटायर होने के बाद ये कुछ टर्म्स हैं आपको बोल रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ पार्टनर्स कैपिटल बनाओ बैलेंस शीट बनाओ ठीक है तो जब भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हो सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करें है ना बैलेंसेस ये रहे एक्स वाई जेड सिर्फ कैपिटल के याद रखना कैपिटल कैपिटल के 160 50 कैपिटल है मेरे पास एक्स वाई जेड 1,60,000 50,000 ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट है या गुडविल है तो वो राइट ऑफ हो जाएगा है ना चलो एसेट से ही शुरू करते हैं कैश बीआर डेटर स्टॉक फिक्स एसेट्स एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होगा P&L का बैलेंस ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है ये भी बटेगा चलो रेशो बताओ सर रेशो है 3:3:2 तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को 3:3:2 में कितना कितना बांटेंगे 16,000 × 3/8 6,000 तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 6,000 4,000 ये तो हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दिया P&L का बैलेंस 4,000 का था 4,000 × 3/8 अरे ये दिखाओ जरा P&L का बैलेंस 4,000 का है हाँ जी 4,000 को भी 3:3:2 में बांटना है ठीक है जी 4,000 × 3/8 1,500 1,000 1,500 1,000 ये हमारे पास P&L बट गया उसके बाद हमारे पास क्या है क्या हमारे पास कोई और रिजर्व जनरल रिजर्व है 80,000 रुपीज़ का 80,000 तो 30 30 20 ये तो बेसिक है 3:3:2 30 30 20 ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया तो हमारे पास क्या क्या हो गया हमारे पास हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया P&L हो गया जनरल रिजर्व हो गया दिस इज परफेक्ट बस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब हम चलेंगे सीधा सीधा एडजस्टमेंट्स की तरफ ठीक है बच्चा एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं 1 अप्रैल पे वाई डिसाइडेड टू रिटायर ठीक है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000 स्टॉक को 12,000 से कम कर दो स्टॉक 124 था 12,000 से कम होगा तो लॉस कोई भी लॉस हो डेबिट में आता है टू स्टॉक 12,000 124 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 112 बचेगा 12 और 12 24 होता है ना तो 124 में से 12 हटाया तो 1/12 बचा ये तो स्टॉक के बारे में चीज़ें हो गई ठीक है उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी रिटर्न ऑफ वो हम वैसे भी राइट ऑफ करते हैं ना भी बताता हम तो भी कर रहे थे उसके बाद प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000 आपको बोल रहा है प्रोविजन कर दो 6,000 प्रोविजन है कितना 4,000 80 पे 4 है
अब 80 पे 6 करना है, ठीक है? डेटर 80, प्रोविजन कर दो 6, 4000 से 6000 हो गया, तो 2000 से प्रोविजन बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लॉस, टू प्रोविजन 2000, ठीक है ना? 4000 का पहले से था, हमें 6000 करा तो 2000 से बढ़ाया बच्चों, ठीक है सर, प्रोविजन आ गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रोविजन हो गया, फिक्स एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स एसेट्स को 10% से बढ़ाना है। फिक्स एसेट्स कितने के हैं, 3 लाख के, 3 लाख में 10% बढ़ाऊंगा तो 30,000 बाय फिक्स एसेट्स, 30,000, तो अब फिक्स एसेट्स कितने के हो जाएंगे, 3 लाख, 3 लाख 30,000 के बच्चों फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है सर, ये भी बढ़िया हो गया, 3 लाख 30,000 के फिक्स एसेट्स हो गए, ओके। उसके बाद क्या है, फिक्स एसेट्स का काम भी हो गया मेरा। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 है, ओके। देखो एक्स वाई जेड थे कितने कितने, 332, गुडविल 80,000 है तो वाई का शेयर कितना होगा, 80,000 इंटू 3/8, 30,000 हो जाएगा, है ना, 30,000 वाई का शेयर हो गया। अब ये जो 30,000 शेयर हुआ है वाई का, ये अल्टीमेटली गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो रेशो क्या बनता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, वाई को मिलेगा 30,000, कौन देगा, ये दोनों देंगे, किस रेशो में, ये चला गया 3:2 में, चलो जी इसकी पोस्टिंग कर दो, ये आ गया 2z और 2z नहीं 2y, ये हमारे पास गुडविल की पोस्टिंग हो गई, ऑल सॉर्टेड, सब कुछ कर दिया हमने, बाकी क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं था, तो आ जाओ बस जल्दी से फटाफट से हम बैलेंस निकाल देते हैं। सर किसका बैलेंस, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, इधर तो 30,000 ही आएगा, 30 - 14 16,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स वाई जेड, 16,000 रुपये 332 में, 16,000 इंटू 3/8 6,000, 6,000, 4,000, ठीक है ना, 16,000 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ये हो गया बच्चा। अब देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट इज वाई सर इसका क्या करा जाए, पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें तो पेमेंट करने के बारे में बोला था, और ये तो क्वेश्चन ही साइलेंट है, तो क्या करें, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू लोन, यही सिखाया मैंने, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका पैसा आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, निकालो बैलेंस, 60,000 इसकी कैपिटल के हैं, बाकी इसको मिलेगा 60 और 30 90, 108,000, 120,000, 126,000 आ रहा है वैसे तो, $126 में से 6,000 और 1,500 हटा दो, 1,18,500,
ये तो बेटा वाई का लोन हो गया, यानी हम क्या करेंगे इसको वाई के लोन में डाल देंगे कि ठीक है फर्म ने आपका पैसा देना है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका इस तरीके से बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में लोन में डाल दो, ठीक है। अब बाकी का बैलेंस निकाल दो बस। चलो 50, 20 और 4 74 में से 4 गया 70 एंड 13 57 57 तो इसका बैलेंस आ गया और x का 136 माइनस 6 110,500। इसको यहां लिख दो, एक 10,500 57,000 ये यहाँ आ गया बेटा जी। Y का लोन, X का कैपिटल, Z का कैपिटल। बस अब आपको क्या करना है, जो जो आपने डिस्टर्ब नहीं करे एसेट्स वो एज इट इज लिख देंगे। कौन कौन से एसेट्स हैं? स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स हो गया है। तो कैश 50,000, BR 60,000, कैश BR, डेटर स्टॉक फिक्स एसेट्स हो चुका है, तो बस कैश और BR बचा। कैश और BR का वैल्यू क्या है बच्चों? कैश और BR का वैल्यू है 50 और 60। और लाइबिलिटीज में तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? क्रेडिटर है, X और Y के पहले से कुछ लोन थे। क्रेडिटर X का लोन 50, Y का लोन 40। क्रेडिटर 250 एक्स का लोन 50, वाई का लोन बच्चों 40,000 पहले से था। वाई का लोन हमारे पास 40,000 पहले से था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में, इसी वाले वाई के लोन में ऐड कर देंगे 40,000 भी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 1,18,500 प्लस 40,000 तो कितना हो जाएगा 158,500। ये हम इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल वाई का लोन ये हो गया, क्योंकि 40 पहले से देना था, ये अब इसका बैलेंस निकल आया था। तो 158,500, 110,500, 57,000, 250,000 और 50,000, 626 इधर आ रहा है और 112,000, 74,000, 330,000, 50,000 और 60,000, 626 ही इधर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। दोनों में फर्क क्या है? कल वाले में लिखा था कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, और आज वाले में कुछ भी नहीं लिखा था, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हमने इसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर करा। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कब लोन में ट्रांसफर करना है, कब पेमेंट करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो चलिए जी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही पूछेगा, बट मैं ये चाहता हूं कि आप बैलेंस शीट की भी इक्वली ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, आपको तीनों ही बनानी आनी चाहिए सो दैट आपको अपनी फर्दर क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, ABC 3:1। 28 फेब पे C रिटायर हो गया जी, C रिटायर हो गया
और बैलेंस शीट में ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करने को बोल रहा है, रिवॉल्यूशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। चलो जी, सबसे पहला काम एज ऑलवेज एबीसी, तीन पार्टनर्स हैं, कैपिटल का बैलेंस लिखना, 5,000, 3,000, 2,000। चलो ए बी सी, ए बी सी सबसे पहला काम है बैलेंस लिखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5,3,2, 5,00,000, 3,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 3,00,000, 2,00,000। ये बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई रिजर्व वगैरह है तो वो बांट लेते हैं। एसेट साइड में कुछ बैंक डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इधर तो कुछ नहीं है। लाइबिलिटी साइड में मुझे P&L दिखाई दे रहा है, P&L का बैलेंस कितना है, 1,50,000। ये कौन सी रेशो में बटता है, हमेशा ओल्ड रेशो में, ठीक है, और सभी पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स का रेशो क्या था, 3:1, तो 150 को 3:1 में, 150 3:1, तो ये आ जाएगा बेटा जी 3:1 में बाय P&L, 3:1, 25,000, 50,000, 75,000। तो 75, 50 और 25, ये हमारे पास P&L का बैलेंस आ गया। P&L का बैलेंस हो गया 150, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमारे पास नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। एबीसी तीन पार्टनर्स थे, 3:1। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म बच्चों 150 का है। सी ने अपना गुडविल ए और बी को बेचा 4:1 में, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म 150 है, सी का शेयर कितना बनेगा, 3:2:1, 150 का 1/6, तो 25,000 सी का शेयर बन जाएगा। 150 का 1/6 यही बैठना चाहिए, यस। और सी ने ये जो अपना शेयर है ये 4:1 में ए और बी को सेल करा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल। सी को 25,000 मिलेंगे और ये दोनों देंगे बच्चों 4:1 में, तो 4:1 में क्या आ जाता है, 20,000 और 5,000, ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको गेनिंग रेशो 4:1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना भाई। सी ने सेल करा तो सी को पैसा मिलेगा, सी क्रेडिट हो गया, ये दोनों पे करेंगे तो ये डेबिट हो रहे हैं। हमेशा याद रखो, जो पार्टनर पे करता है वो डेबिट होता है क्योंकि उसका कैपिटल कम होता है, जिसको पैसा मिलता है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो ए और बी के डेबिट में 20,000, 5,000 किस नाम से आ जाएगा, ये टू सी, ए और बी के डेबिट में बच्चों ये सी के नाम से आ जाएगा, और सी के क्रेडिट में बाय ए एंड बाय बी, पूरा लिख देना, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है। ये हम सी में लिख देंगे कितना कितना, 20,000 ए देगा, 5,000 बी देगा, 4:1 गेनिंग रेशो में, ठीक हो गया बच्चे। ये हमने गुडविल का एंट्री कर दिया, गुडविल का एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होता है। चलो सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अभी तक तो बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसे आप करते आए हो। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख, डेटर इज रीवैल्यूड एट 150। स्टॉक 3 लाख कर दो, डेटर 150 कर दो, ठीक है। स्टॉक पहले 250 था तो 250 से 3 लाख कर दो, ठीक है। स्टॉक को हम 250 से 3 लाख कर देते हैं, तो स्टॉक हो गया हमारा 3 लाख, और कितना बढ़ गया, ये स्टॉक बढ़ गया हमारा 50,000 रुपीज से, क्योंकि 250 था ना। एसेट बढ़ा तो फायदा हुआ, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 50,000 रुपीज से मेरा स्टॉक बढ़ गया 250 से 3 लाख, ठीक है जी। डेटर का क्या करना था, डेटर करने हैं बच्चों 150, 165 है, 165 से 150, ठीक है। डेटर हो गए 150, अब बच्चों 165 से 150 तो 15,000 से कम हो गए, 15,000 से कम हो गए तो लॉस हो गया हमारा, तो लॉसेस सारे डेबिट होते हैं। टू डेटर 15,000, आपको पता होना चाहिए
क्रेडिट में सब फायदे वाली चीजें, एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी कम होगी। डेबिट में सारी लॉसेस वाली चीजें, एसेट कम होना या लाइबिलिटी बढ़ना। ठीक है, चलो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 3000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है 3000 कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे? 10,000 के थे, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे अब 3000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब हो गए 3000, 10 से 3 हो गए बेटा, 7000 का फायदा। फायदा होगा तो इधर लिखा जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमने कम कर दिए तो हमारा फायदा हो गया। ठीक है सर, उसके बाद क्या है? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट 10% के लॉस पे बिक गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा? 3 लाख की थी, 10% के लॉस पे बिक गई। तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी, 10% का लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो जो भी लॉस है इन्वेस्टमेंट पे वो इधर लिखो, तो इन्वेस्टमेंट 30,000 का लॉस हुआ। और मेरे बैंक में, क्योंकि अब बिक गई ना, तो बैंक का जो भी बैलेंस था उसमें 270 इन्वेस्टमेंट का ऐड हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गई तो पैसा आया तो बैंक में प्लस होगा। बैंक का बैलेंस कितना था ये देख के देख लेता हूँ मैं पहले। बैंक में मेरे पास 25,000 रुपीज थे। देखो दोबारा समझो, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे बिक गई। तो 3 लाख का 10%, 30,000 का लॉस हुआ, कम हो गया 30,000, तो 3 लाख माइनस 30,000, 270 हमें मिल जाएगा। 270 बैंक में 25 पहले से थे, बैंक में 25 पहले से थे, 270 और आ गया, अब इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ हमने लॉस दिखा दिया इन्वेस्टमेंट का। ठीक है सर, डन है। उसके बाद क्या है? बस उसके बाद लिखा हुआ है सी इज टू बी पेड ऑफ इन फुल। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट कर दिया जाए फुल में, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर के पैसे दे दिए जाएं। ठीक है सर, आओ चेक करते हैं अब रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब बनेगा कितना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो इधर तो आ रहा है 57 में से 45 अगर मैं हटा दूं तो 12,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एक बार चेक कर लूं, 12,000 ही आ रहा है ना। 57 माइनस 15 माइनस 30, 12,000 ही आ रहा है। फिर कैलकुलेशन एरर कुछ भी होगा तो बच्चे हमारे कमेंट में भर देंगे, सर ये गलती। 3 to 1, 12,000 इंटू 3/6, 6,000 ए का, 4,000 बी का, 2,000 सी का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है बच्चा? ऑल राइट सर, चलो जी। अब देखो बेटा क्या करना है, बी का हिसाब किताब कर लेंगे अभी, ए का भी हिसाब किताब करेंगे, सी का भी हिसाब किताब करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी जा रहा है ना। अब सी का करना है हमें पेमेंट, तो सी का हिसाब क्या बनेगा? देखो सी को 2 लाख रुपए तो एक देने हैं कैपिटल के, फिर उसके बाद ये सब इसको मिला है, ये किस चीज का पैसा है? ये इसका P&L का, ये इसका गुडविल का, ये इसका रिवैल्यूएशन का। तो 225 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2, 252,000 बैठता है इसका, 2,52,000। इधर कुछ नहीं है तो 2,52,000 बच्चों आपको इसको पे करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था? सी इज टू बी पेड इन फुल, इसका पेमेंट कर दिया जाए। मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैं यहाँ पे लिखता 2C का लोन, और वो लोन यहाँ बैलेंस शीट में लिख देता सी इज लोन के नाम से। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? सी इज टू बी पेड इन फुल, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक, आपने पेमेंट कर दिया और बैंक में से माइनस हो जाएंगे अब ये 2,52,000। क्यों माइनस होंगे? क्योंकि आपने पैसा सी को दे दिया, सी का हिसाब कर दिया, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो बस, सिंपली टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो बच्चों अभी तक ना आप तीनों का बैलेंस निकालते आए हो। रिटायरमेंट में क्या अलग होता है कि रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का या पेमेंट हो जाता है
या लोन में ट्रांसफर हो जाता है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया था कि सी इज टू बी पेड, तो फिर आप ऐसे टू बैंक लिख दोगे। ठीक है, चलो बस जल्दी जल्दी से अब बैलेंस निकालो। 5 लाख 575 और 6 581 575 और 6000 581 माइनस 20000, इसका बैलेंस आ गया 561। बी का बैलेंस कितना आ जाएगा, आ जाओ फटाफट से बी का बैलेंस निकाल देते हैं। 350000 और 4000 354 इसका बैलेंस आ जाएगा बच्चों। 354 में से 5 जाएगा तो 349 इसका बैलेंस आ गया। 581 354 चलो सर, अब ये वाले जो बैलेंसेज हैं ये आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, 561 349 ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। सर सी का कैपिटल कहाँ गया, सी तो रिटायर हो गया, पैसा ले गया वो अपना, है ना। तो 561 ए का हो गया, 349 बी का हो गया, सी का कोई बैलेंस बचा नहीं है, बस ऑलमोस्ट खत्म है जी। बैंक का बैलेंस निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 270 माइनस 252 तो बैंक में बचेंगे 43,000। अब जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रिमेनिंग है वो एज इट इज लिख दो बच्चों। कौन कौन से रिमेनिंग है हमारे, चेक करते हैं फटाफट से। देखो ए बी सी ये लिख चुके हैं, पी एंड एल बांट चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख चुके हैं। क्रेडिटर 120, क्रेडिटर 120, क्रेडिटर 120। एसेट्स में हमने बैंक लिख लिया, स्टॉक डेटर लिख लिया, बैंक लिख लिया, डेटर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, इन्वेस्टमेंट बिक गई थी, बस फिक्स एसेट्स बचे 540 के। फिक्स एसेट्स 540, अब आपको बस बैलेंस शीट टैली करना है बेटा। आओ टैली करें। 3,150,43,540, 10,33,000 इधर आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 3,000, 561,000, 349,000, 120,000, 10,33,000 इधर आ गया बच्चों। तो अगर आप सब कुछ ठीक करते हो तो इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। अब इसके अंदर सर रिटायरमेंट और एडमिशन में फर्क कहाँ पे आता है, फर्क सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है बच्चे, वो आता है हमारे पास इस स्टेप में कि आप पेमेंट कर रहे हो या लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, बाकी सब सेम, सब कुछ सेम। बस दिस इज हाउ आपका एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए चॉइस आती है एग्जाम में, दोनों में से कोई कर लो क्योंकि बहुत सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। तो चलो भाई, अब तुम लोगों ने वो क्वेश्चंस देख लिए जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बट विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब रिटायरमेंट में ही कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी आती है। तुमने देखा रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से एडजस्ट करना है, भैया कभी पे करना है, कभी लोन में ट्रांसफर करना है। अब कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स आती हैं जो रिटायरमेंट में आपको बड़े ध्यान से देखनी है। सर कैसी कैपिटल एडजस्टमेंट्स आती हैं, देखो केस नंबर वन ऐसा होगा, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, राइट आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया। लेट सपोज हमारे पास ये है ए बी सी, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, ए था बी था सी था, ए था बी था सी था, ये सी जा रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब तुमने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद सारे रिजर्व्स का काम कर लिया, उसके बाद तुमने गुडविल का काम कर दिया। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट वगैरह आया तो वो लिख दिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी प्रॉफिट वगैरह आए वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इधर से अगर कुछ नहीं है तो लेट सपोज हमने सी का पेमेंट कर दिया टू बैंक, ये सी का पेमेंट हो गया और यहाँ पे बैलेंस आ जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन ए और बी का। लेट सपोज उनका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है ए का 10 लाख और बी का 5 लाख, सपोज ये आ रहा है ए का 10 लाख और बी का 5 लाख, और इनका जो न्यू रेशो है वो है 1:1।
दोनों का, ए और बी का जो न्यू रेशो है वो 1:1 है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा बच्चों, इस कैपिटल एडजस्टमेंट में होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, आपको न्यू फर्म का टोटल कैपिटल गिवन होगा। इसका मतलब जो ए और बी ने नई फर्म बनाई है, नई फर्म मतलब सी चला गया है ना, तो इस केस में लिखा होगा द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी लेट सपोज 25 लाख, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 25 लाख, सही है। तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली सबसे पहले तो इस कैपिटल को ब्रॉड डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका 10 लाख, इसका 5 लाख, सी तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसने बोला कि जो टोटल कैपिटल है वो 25 लाख होनी चाहिए, तो आप हमेशा इस टोटल कैपिटल को चेक करोगे क्या कोई रेशो तो नहीं गिवन है कि किस रेशो में होनी चाहिए। रेशो गिवन नहीं है तो न्यू रेशो में हम लोग इसको बांट देंगे, न्यू रेशो हुआ सपोज 1:1, तो अब इनकी टोटल कैपिटल आप यहां लिखोगे जो होनी चाहिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, हमें यहां पे मेंशन करेगा कि 25 लाख है ना, तो 12.5 लाख 12.5 लाख होनी चाहिए, तो इसकी होनी चाहिए 12.5 लाख, इसकी भी होनी चाहिए 12.5 लाख, 12.5 12.5, देखो इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब आप यहां पे क्या करोगे, सिंपली कंपेयर कर लोगे पुरानी कैपिटल और लेटेस्ट कैपिटल से। आप बोलोगे अभी इसकी 10 लाख है, होनी चाहिए 12.5 लाख, तो ये और लेके आएगा, तो यहां पे या तो बाय बैंक आएगा या फिर बाय करंट अकाउंट आएगा, ये क्वेश्चन बताएगा कि एडजस्टमेंट बैंक से करनी है या करंट अकाउंट से करनी है। अगर बैंक से करनी होगी तो आप बैंक लिख देना, करंट अकाउंट से करनी होगी तो करंट अकाउंट लिख देना, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो आप करंट अकाउंट से करके आना, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, 2.5 लाख, तो सर ये लेके आ जाएगा अपने आप 12 लाख हो जाएगी, और इसकी 5 लाख है, होनी चाहिए 12.5 लाख, 7.5 लाख बच्चों ये लेके आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो टोटल कैपिटल गिवन है बस उसको आप न्यू रेशो में बांटो और फिर बैंक या करंट अकाउंट से दोनों को कंपेयर करके बैलेंस निकाल दो। अब सर अगर बैलेंस इधर आया करंट अकाउंट में तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, देखो बच्चों ये लेके आएगा तो ये एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस अगर इधर आ जाता है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, और अगर बैंक से करना है तो बैंक में प्लस कर देना क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो ये हमारा पहला कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जो आपको कैपिटल एडजस्ट करने के लिए रिटायरमेंट में करना होता है। अब आ जाओ दूसरे पे, यहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन नहीं होता बच्चों। यहां पे क्या होता है, व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू रेशियो, यहां पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कैपिटल्स को एडजस्ट कर देंगे बस न्यू रेशो में, कैपिटल तो हमारे पास है ही, ये जितना भी कैपिटल आया इसको न्यू रेशो में बांट दो। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ करने के बाद अब कैपिटल ब्रॉड डाउन कर लिए, ब्रॉड डाउन करे तो कितने कितने आए, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका आ गया 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख आया था, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 और 5 15 लाख हो गई सर, 15 लाख, ये 15 लाख होनी चाहिए न्यू रेशो में, तो 15 लाख को न्यू रेशो में बांटो तो 7.5 लाख, 7.5 लाख, तो यहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7.5 लाख, इसका भी 7.5 लाख, ठीक है। अब देखो इसका है कितना 10 लाख, होना कितना चाहिए 7.5 लाख, तो क्या ये विड्रॉ करेगा, यस इस बार ये विड्रॉ करेगा फिर से, या तो टू बैंक या फिर करंट अकाउंट, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, यहां पे आ जाएगा 2.5 लाख, ओके। इसका है कितना 5 लाख, होना कितना चाहिए 7.5 लाख, तो ये इंट्रोड्यूस करेगा, तो यहां पे बाय बैंक और करंट अकाउंट 2.5 लाख ये लेके आएगा, ओके। ये लेके आएगा तो बैंक में, लेके आएगा तो बैंक में प्लस हो जाएगा, अगर आप करंट अकाउंट से कर रहे हो तो एसेट साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट के। ये विड्रॉ करेगा तो बैंक से कर रहे हो तो माइनस होगा बैंक में से, करंट अकाउंट में कर रहे हो तो फिर ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे भी हमें बोलेगा कि बैंक से करना है करंट अकाउंट से करना है वैसे कर देंगे, बैंक से बोलेगा तो बैंक लिख देंगे, करंट अकाउंट से बोलेगा तो करंट अकाउंट लिख देंगे, ओके। तो दूसरा ये होता है जब न्यू कैपिटल गिवन नहीं होती तो जो कैपिटल आई है आफ्टर एडजस्टमेंट्स बस उसको ही न्यू रेशो में बांट देते हैं। तीसरा कौन सा होता है सर, ये इंपॉर्टेंट है,
रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश, और वो कैश कौन लेके आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे, और फिर कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। इसमें प्लीज ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना होता है, इसके अंदर लिखा होता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स टू बी पेड किस कैश से, जो पुराने पार्टनर्स लेके आएंगे यानी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लेके आएंगे, और कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लीज स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप नंबर वन, ऐड करो कैपिटल्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो उनके कैपिटल्स को जोड़ दो, ये होंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है ना। देखो ये सब कुछ आफ्टर एडजस्टमेंट ही हो रहा है, अभी तक सब कुछ आफ्टर एडजस्टमेंट हुआ था, राइट। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो आप ऐड कर दो, प्लस करो इसके अंदर, स्टेप नंबर टू, प्लस करो रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी फाइनल कैपिटल आ रहा है वो भी आप इसमें प्लस कर दो। ये आपने प्लस कर दिया, अब यहां से आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी, यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस टोटल कैपिटल को आप स्टेप नंबर थ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन न्यू रेशो, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशो। ये वाली कैपिटल न्यू रेशो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1:1 में। लेट सपोज इन दोनों की कैपिटल 10 और 5 15 लाख बनी थी, सपोज कर लो 10 और 5 15 लाख बनी थी, इसको पे करना था 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया 20 लाख रुपए, और ये 20 लाख न्यू रेशो में बढ़ जाएगा 10 लाख 10 लाख, ठीक है। ये न्यू रेशो में बढ़ जाएगा कितना 10 लाख 10 लाख। तो देखो इस बार कैसे होगा, इस बार आपको इसमें थोड़ा सा खास तौर पे ध्यान देना है कि भैया इस बार आप तीनों को ही ब्रॉड डाउन करोगे। इस बार आप रिटायरिंग पार्टनर का भी ऊपर बैलेंस निकाल लोगे, 10 लाख 5 लाख, और इसका भी 5 लाख देना था, ये रिटायरिंग पार्टनर का भी इस बार यहीं पे ले आना, ठीक है। अब आप जो बैलेंस यहाँ पे जो नया कैपिटल आएगा वो कितना आया, 10 लाख 10 लाख, 10 लाख 10 लाख, और यहां से आप करोगे पे, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को पे करोगे, ये रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हो गया, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख। तो ये तो गया, बात खत्म, 5 लाख रुपए गया, ये तो बात खत्म हो गई। अब कैपिटल कंपेयर कर लो, ए की होनी चाहिए 10 लाख, है भी कितनी 10 लाख, छोड़ दो, बी की होनी चाहिए 10 लाख, है कितनी 5 लाख, तो ये लेके आएगा, तो देखो ये होगा बाय बैंक, ये लेके आ जाएगा कितना, ये लेके आ जाएगा बच्चों 5 लाख रुपए। तो देखो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसके अंदर इसको जो 5 लाख देने थे ना वो देखो ये लेके आया। सर सिर्फ इसको ही क्यों लाने पड़े, क्योंकि बच्चों जब हमने नई रेशो में बांटा ना तो ए का जितना होना चाहिए था उसने उतना ही लगाया हुआ था, तो उसको लाना ही नहीं पड़ा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, थर्ड केस में क्या करना होता है, सबसे पहले कैपिटल्स जोड़ो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके, ए और बी के, फिर जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल जोड़ दो, टोटल कैपिटल आ जाएगा उसको नए रेशो में बांट दो, नए रेशो में दोनों में बटेगा, दोनों में बटा, फिर इसका पेमेंट करो, एंड अपने आप ही देखो वही अमाउंट आएगी, पार्टनर्स उतना ही पैसा लेके आएंगे जितना उसको पे करना है। ये इस तरीके से होता है, इसको भूलना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी, ओके। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है ये कि हमें इसी तरीके से केस थ्री का काम करना है, लेकिन बैंक में भी एक बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अब सर ये कैसे होगा, देखो बच्चों इसमें भी तुम्हें क्या करना है, स्टेप नंबर वन, ऐड करो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल, जितना भी है वो ऐड कर देना। स्टेप नंबर टू, इसमें ऐड करो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, वो ऐड कर देना, पिछले में भी यही करा था, टोटल कैपिटल आ गई थी। इस स्टेप में आपको एक बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है, सपोज बोल रहा है 1000 रुपए बैंक में मेंटेन करो, तो आप स्टेप नंबर थ्री में इसमें ऐड करोगे बैलेंस टू बी मेंटेन,
जो भी बैलेंस मेंटेन करना है वो ऐड कर दो। स्टेप नंबर 4 में आप लेस करोगे अवेलेबल बैंक बैलेंस। अभी जो आपके बैंक में बैलेंस है वो आप लेस कर दोगे, अवेलेबल बैंक बैलेंस आप लेस कर दोगे। ये आई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये आपकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है। इसको आप न्यू रेशो में बांट दो, ए और बी में 1:1 में। फिर आपको फाइनली ऐसा ही काम करना है सेम जैसा यहाँ पे किया, तीनों को ब्रॉट डाउन कर लेना, इसका पेमेंट कर देना बैंक से और ए और बी की नई कैपिटल लिख देना। फिर जिसका कम रह गया वो लेके आएगा, जिसका ज़्यादा है वो विड्रॉ करेगा और बैंक में आप देखोगे उतना ही बैलेंस बचेगा जितना बचना चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करके चलने हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप रिटायरमेंट में क्वेश्चन पे जाओगे तो मैं अभी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद कुछ छोटी छोटी सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें मैं इस तरीके की चीज़ें कराऊंगा, तो मैं वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसके अंदर आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट जोड़ लो, उसमें प्लस करो जो रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसका अमाउंट, जैसे यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था। बस यहाँ पे बैंक बैलेंस का कोई लेना देना नहीं था। जब बैंक बैलेंस का आता है ना तो ये दो स्टेप बढ़ जाते हैं। ये दो स्टेप क्या बढ़ते हैं, जो हमारे पास बैलेंस मेंटेन करना है वो ऐड करना है और जो अभी है वो माइनस कर देना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गया, इसको बांट दो न्यू रेशो में, दैट इज इट। ओके, तो दिस इज हाउ बच्चों हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं सारी की सारी रिटायरमेंट की। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको रिटायरमेंट की ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी समझ में आती हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी लिख ली हैं। तो रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट्स ख़त्म होती हैं और इसी के साथ हमारी पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाती है। कुछ छुटर पुटर चीज़ें अगर हमारी रह गई हैं, जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक एक छोटा सा रह रहा है, उसको हम लास्ट में देख लेंगे जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। इसी तरीके से बस पढ़ते रहना है। बची हमारे पास दो किताबें, वो भी बहुत क्विकली चल रही हैं और उनको भी हम बड़ी जल्दी समाप्त कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सिया, टेक केयर, बाय बाय।